नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। मुख्यालय बंगरा अंतर्गत मगरवारा में स्थित डलई खिरक के प्राथमिक विद्यालय परिसर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है। प्रदेश में बच्चों को ड्रेस, राशन आदि वितरण के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, पर हकीकत पोल खोल रही है। मगरवारा के आदिवासी बच्चों हेतु प्राथमिक विद्यालय डलई में सालों से ड्रेस वितरित नहीं हुई है, साथ ही बच्चों को मिलने वाले राशन भी नहीं दिए गए। दुड़ैया खिरक के दामोदर आदिवासी ने बताया कि विद्यालय में अध्यापक बहुत ही लापरवाह हैं। इनके द्वारा बच्चों को बहुत परेशान किया जाता है तथा ड्रेस, बस्ता, राशन आदि भी सालों से नहीं बटा। वहीं शिक्षक कहते हैं जिससे शिकायत करना है कर दो। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। अभिभावकों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए अध्यापकों के इस अमानवीय व्यवहार के प्रति दंड और बच्चों के साथ हुए उनके अधिकारों के हनन की जांच होना चाहिए और दोषियों पर कार्यवाही होना चाहिए। जी, आपका नाम? मथुरा सोपाल। किस पद पे हैं आप गांव में? ग्राम प्रधान मंगलवाला। जी प्रधान जी, आपके गांव में शिकायत मिली है कि डुडरिया खिरक का जो विद्यालय है वहाँ पे बच्चों को सालों से ना स्वेटर और ड्रेस, बस्ता, सूज, बस और कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और ना ही पढ़ाई समय से होती है, ना विद्यालय समय से खुलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान जी, हमें भी जानकारी कही तो उन्होंने बताया कि स्कूल खुलता ही नहीं है। दूसरी बात, ना बच्चों को कोई सूटर मिले, ना ड्रेस मिले, ना जूता मिले और ना जो राशन मिलता है वो भी किसी को नहीं मिला है और कोई आता ही नहीं, स्कूल खुलता ही नहीं है। एक दो मेरे में आती हैं, दुआएं बैठे बैठे भाग जाती हैं। जो स्कूल के सीनियर मास्टर हैं वो कभी आते ही नहीं हैं, ना कोई सोचा सकते हैं। अच्छा, टीसी मार्कशीट भी दे आया है, बच्चों का बहिष्कार हुआ हो। अच्छा, बच्चों की टीसी मार्कशीट भी नहीं काट रहे हैं? कोई काटता नहीं है। पहली बात तो प्रधान चाहिए आते ही नहीं है स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल बंद रहता है, कॉलेज मतलब जो कार्यालय है उसका ताला भी नहीं कभी खुला है अभी। अच्छा, और कोई आता जाता नहीं है मास्टर। अच्छा, आपने विद्यालय आप गए थे? हाँ, हम गए थे। उन वहाँ पर देखा तो बच्चे बोले कि हाँ प्रधान जी, हमारी मार्कशीट नहीं काटी, टीसी नहीं काटी, प्रधान चाहिए आई नहीं आया है। और हम लोग थाना होकर चक्कर आए, भाग जाते हैं बच्चे। ठीक है प्रधान जी, आपकी समस्याओं से हम सरकार को अवगत कराएंगे और जल्दी विद्यालय में व्यवस्थाएं बनवाएंगे। हमारा भी सोच के शाखा इस पर तुरंत इंटरेस्ट लें। क्या नाम है भैया आपका? उत्तम है सर। उत्तम, बताइए उत्तम, क्या समस्या आपकी? सारी समस्या है, ना तो ड्रेस मिलती है, ना बस्ता, ना जूते, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर। स्कूल भी टाइम से नहीं खुलता है। अच्छा अच्छा, आपका बच्चा क्या नाम क्या है? राजनाम है। राजनाम, राजनाम चला रखा है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता है? चार में पढ़ता है। ठीक है, आपने मास्टर साहब से शिकायत की? हाँ, कई बार कह चुके। नहीं सुनते हैं? ठीक है, अब आपकी प्रशासन सुनेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश आदिवासी? हाँ। कहाँ के निवासी हो? इसी खिरक के हैं, डुड़रिया। डुड़रिया खिरक। कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? इसी सरकारी स्कूल। अच्छा, सरकारी स्कूल में इसी में पढ़ते हैं। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर ना देखो मार्कशीट दी। ठीक है, ना ड्रेस। हाँ, ना जूता। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं दिए। बस्ता वगैरह? कुछ नहीं। बस्ता, ड्रेस, जूता कुछ नहीं मिला है? अच्छा, मास्टर साहब का कैसा क्या नेचर रहता है, आपने उनसे कहा कभी? क्या कहते हैं? कहते हैं सर कुछ नहीं सुनते हैं वे। अच्छा अच्छा, प्रधान से भी कह चुके हो आप? प्रधान आए, सुनने भी आपको शिकायत दी हो। हाँ हाँ, तो कोई नहीं सुनवाई हो रही है? सुनाई नहीं। अच्छा, और यहाँ पे विद्यालय समय पे खुलता है? नहीं। पढ़ाई वगैरह कैसी होती? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप लोगों के बच्चों का कोई देख रेख नहीं कर रहा है? ठीक है भैया, धन्यवाद। क्या नाम है बच्चे का? भांजी है तुम्हारी? कौन सी साल में पढ़ाई की थी? पिछली साल? दो साल से मार्कशीट नहीं काट रहे हैं? पैसे नहीं काट। मार्कशीट, टीसी कुछ नहीं दिया? क्या कहते हैं? क्या देगा, हमें अधिकार ही नहीं है। अच्छा, मास्टर साहब कह रहे हैं हमें अधिकार नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? हरिराम कुशवाहा, मंगलवाला। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? जो डलई खिरक का स्कूल है उसमें सर ना कोई ड्रेस बांटी गई, ना कोई जूता चप्पल बांटा गया। ठीक है, ना कोई सूटर बांटा गया। ठीक है, ना कोई बैग बच्चों को दिया गया। ठीक, और क्या समस्या है बच्चों की? ना कोई, अभी सर से बोला हमने, हाँ कि साहब टीसी मार्कशीट दे दो। सर बोले कह ले हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, मैं कोई टीसी मार्कशीट नहीं दे सकता। और पहली बात, जिस 1 तारीख से स्कूल खोलो सर आते ही नहीं है। अच्छा, कोई नहीं आता? नहीं आते सर। ठीक है, और ये बताइए आप किस पद पे हैं इस गांव में? आपको कुछ पदक तो मिला था? एक तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हम अभिभावक हैं। अच्छा, उसी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं? और
और दूसरे हम समिति के अध्यक्ष हैं। शिक्षा समिति के आप अध्यक्ष भी हैं, इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं प्रधानाध्यापक? नहीं। अच्छा ठीक है, आपको न्याय मिलेगा।